आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेल्ट की, वो बेल्ट जो आपको टीवी पे प्रमोट किए जा रहे हैं, जैसे कि फैट रिड्यूस कर देगा, अगर आप थाई पे पहनते हो तो आपका थाई पतले हो जाएंगे, अगर आप अपनी कमर यानी कि वेस्ट पे पहनते हो तो आपकी कमर पतली हो जाएगी, अगर आप अपने टमी पे पहनते हो तो आपका टमी अंदर हो जाएगा। तो गाइज़ ये पॉसिबल है क्या, ऐसे करने से आपका बॉडी फैट कम हो जाएगा? आज हम लोग इसे भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। जैसे कि अपना एक एज होता है, अपना एक हाइट होती है, अपना एक वेट होता है, ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, वैसे ही अपने बॉडी में बॉडी फैट परसेंटेज भी होता है। आपको ध्यान हो तो आमिर खान ने एक वीडियो रिलीज़ किया था, उसने जब उनका वेट गेन था तो उनके बॉडी में लगभग 36 बॉडी फैट परसेंटेज था, उसके बाद जब उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया तो उनके बॉडी में लगभग 9 point something बॉडी फैट परसेंटेज थी। तो ये डिफरेंस है, अगर उनकी वेट अगर वो 90 किलोज के हैं तो उनका बॉडी फैट परसेंटेज 36 था, उसके बाद लगभग 60 केजी पे वो आए जब उनका बॉडी फैट परसेंटेज 9 था। तो आपके बॉडी में एक बॉडी फैट परसेंटेज भी होता है, इसको भी आप कभी ना कभी वीक में, मंथ में, 6 month पे आप ज़रूर मेज़र किया करें, इससे आपको पता चल पाएगा कि बॉडी में कितना फैट स्टोर है। अब बात है उस बेल्ट की, अगर आप थाई पे पहनते हो तो आपकी थाई पतली हो जाएगी। गाइज ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कहीं से भी अपनी बॉडी से स्पॉट रिडक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया से फैट कम करना पॉसिबल नहीं है, वो भी विदाउट बर्निंग यूज कैलोरीज। अगर आप बेल्ट पहनते हो उसमें केवल और केवल स्वेट निकलेगा, पसीना निकलेगा, आपकी थाइज पतली नहीं होंगी। गाइज ये केवल और केवल प्रोपोगेंडा है, केवल और केवल मार्केटिंग है, ताकि आप उसको खरीद के परचेज करें या खरीदें बस। उसके लिए आपको डाइट अपनी स्ट्रिक्ट रखनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर डेफिसिट डाइट कैलोरीज इनटेक करना पड़ेगा, सो दैट आपका फैट बॉडी फैट परसेंटेज स्लोली स्लोली कम होगा, ना कि आप दिन भर जंक खा रहे हैं, कैलोरीज का कोई अता पता नहीं, जो मिल रहा है अपने पेट को भरे चले जा रहे हैं, अपने पेट को एज अ डस्टबिन समझते हैं। तो गाइज सुबह आप जंक खाएं, दोपहर में आप जंक खाएं, शाम को आप जंक खाएं, और शाम को आप बेल्ट लगा लिए अपने पेट पे, अपने टमी पे, अपने एब्स पे, अब आप सोचेंगे मेरा बॉडी फैट कम हो जाए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। इसलिए आपको पहले कट करने पड़ेंगे अपनी डाइट में वो चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, जिसमें ज़्यादा फैट है वो चीज़ें आप अवॉइड करिए, हेल्दी फैट खाइए, घी खा सकते हैं आप पीनट बटर खा सकते हैं आप, बट वो चीज़ें ना खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा कैलोरीज है। कैलोरीज़ का भी एक मेज़रमेंट होता है कि आपको दिन भर में इतने ही कैलोरीज इनटेक करनी है, लगभग आपको 3000 या 2800 टू 3000 यानी कि 2800 टू 3000 कैलोरीज ही दिन भर में इनटेक करनी चाहिए। ये एक डेफिसिट डाइट है फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, ना कि आप दिन भर जो मिल रहा है आपको खाए चले जा रहे हैं। इसलिए अपने बॉडी फैट परसेंटेज को भी मेज़र किया करिए, वंस इन ए मंथ या वंस इन ए वीक इसको आप ध्यान रखिए, ताकि आपको पता चल पाए कि आपकी बॉडी में कितना फैट परसेंटेज पिछले मंथ था और अगले मंथ कितना हो गया। अगर कोई भी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि वॉकर लेके आप केवल लेट के पैर हिला लीजिए आपका वज़न कम हो जाएगा, बेड लगा के अपना थाई कम कर लीजिए, अपना पेट कम कर लीजिए, गाइज ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी मैजिक नहीं है कि आपको विद इन अ वीक कोई आपको रातों रात चमत्कार हो जाए उस बेल्ट पहनने से। जब तक आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, नो वन गिव यू द रिजल्ट, भले वो कोई भी कंपनी आपको बताए कि ये पहनने से ये हो जाएगा, वो करने से आप दुबले हो जाएंगे। तो ये गाइज छोटा सा सजेशन था, एडवर्टीजमेंट के झांसे में बिल्कुल मत आइए, थोड़ा सा जेन्युइन बनिए, चीज़ों पे पता करिए क्या ये पॉसिबल है, या कि हम केवल केवल मार्केटिंग देख के, केवल केवल एडवर्टीजमेंट देख के वो चीज़ें हम परचेज कर लेते हैं। तो गाइस ये वीडियो था उस बेल्ट को लेके जिससे आपका वज़न कम होता है, वो चीज़ें सही हैं गलत हैं आपको वीडियो देख के पता चल गया होगा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू ऑलवेज गेट नोटिफाइड विथ माई लेटेस्ट एंड अपकमिंग वीडियोज। दिस इज योग रत्नम, योर फ्रेंड, योर कलीग। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।